टू आर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। हम देख रहे हैं रेडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स के क्वेश्चंस, एंड ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें थोड़े हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, पर मैं हर क्वेश्चन का ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताऊँगी, सो आगे आपको दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों हों उनके लिए भी दिक्कत ना हो। आप सुन करके फिर उस क्वेश्चन को लिख सकते हो आराम से और फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन है कि ए बी सी के पिछले आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। अगर वर्ष वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये हैं, तो बी प्लस सी का वर्तमान आय ज्ञात करें। यानी कि इनकम ऑफ ए बी एंड सी ऑफ लास्ट ईयर इज 3:4:5 एंड द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करेंट ईयर इनकम इज 4:5, 2:3 एंड 3:4। इफ टोटल इनकम ऑफ करेंट ईयर इज 98,500 रुपीज, देन फाइंड बी प्लस सी इनकम। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है यहाँ, 3:4:5 लास्ट ईयर का इनकम दे दिया है, लास्ट ईयर इनकम 3:4:5। ओके, और लास्ट ईयर और करेंट ईयर का जो रेशियो है उनके इंडिविजुअल के इनकम का वो है 4:5:5, 2:3, 3:4। ऐसा करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, क्योंकि आप देखो ए का लास्ट ईयर का इनकम 3 और ए का लास्ट ईयर का इनकम 4 है ना, 3:4 का एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 12 कर देते हैं, 12 करने के लिए इसमें क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि वो एक साथ उनका रेशियो दिया हुआ है ना। ये नीचे वाला रेशियो इंडिविजुअल का है, पर ये एक साथ रेशियो है, मतलब सब में करना पड़ेगा। अब आप देखो इसको 12 करेंगे, इसको 12 करेंगे तो इसको 16 कर देंगे, 16 करने के लिए फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको 20 करेंगे और क्या 20 3 के टेबल में कभी भी आता है? नहीं आता ना, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करके उसके जो हायर नंबर्स होंगे उससे हम कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 36, और इस 4 को 36 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 9 से, तो 9 से इसमें करेंगे तो 9 से 5 में भी करना पड़ेगा, तो इसका 45 आ गया। अब यहाँ 12 से किया तो 48, और 48 तो इस 2 को 48 बनाने के लिए 24 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 24 से किया तो 3 में भी करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 12 से 5 में अगर गुना करेंगे तो 60, और 3 को 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 से इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, यानी 80। तो आप देखिए कि करंट ईयर का इनकम क्या आ गया इन लोगों का, ये तो लास्ट ईयर का था, सबका बराबर कर दिया, तो करंट ईयर का इनकम 45:72:80। अब कह रहा है कि इनका जो टोटल इनकम है लास्ट ईयर का वो है 98,500 रुपया टोटल इनकम। अगर इन तीनों टोटल इनकम यानी कि इनके रेशियो को हम जोड़ेंगे, इनके रेशियो को हम जोड़ेंगे तो देखो आप कितना आएगा, 197, 197 बराबर यूनिट बराबर 98,500, तो एक यूनिट बराबर 500 आ गया, तो बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो 152, यानी कि इतना आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, उनकी पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपये है तो दोनों को का अलग वर्तमान आय निकालें। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर वाज 3:5, देयर लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम इज रेशियो इज 2:3 and 4:5, if their current year income is total current year income is 43 and then find the
फाइंड देयर इनकम्स। ओके, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से हम बनाएंगे। क्या करेंगे आप, ए और बी का देख लो, 3:5 और उनका लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम दिया हुआ है, 2:3 और 4:5। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों लास्ट ईयर का है ना, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम आ गया 6। ओके, एलसीएम जब 6 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 6 इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 10 आ जाएगा, और क्या 10 4 के टेबल में कभी आता है, नहीं आता ना, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे पिछले में किए थे, हम थोड़ा ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसमें अगर 12 करते हैं, यानी कि इसको 6 ना बना के हम अगर 12 बनाते हैं, तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12 बन जाएगा, 1 मिनट, ये 12 बन जाएगा, है ना, ठीक है। और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20 बन गया, और 20 बनाने के लिए 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इसमें 6 से पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 18 और 25 बराबर यानी 43 बराबर, अगर 4300 है तो 1 बराबर 100, ए बराबर 1800 और बी बराबर 2500। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट जा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में या फिर अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूँगी आप लोगों को, पर फास्ट में नहीं जा रही, बिल्कुल नॉर्मल सा है कि जब हम लास्ट ईयर का 2 रेशियो दिया हुआ है तो दोनों रेशियो को हम तो हम इक्वल करेंगे ना, और इसको क्योंकि क्या करना है, बैलेंस करना है इसको और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम उससे ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। अगर ए अपनी आय का 14.27% बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात क्या होगा। कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 4:3:5, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 14 होल 2/7% ऑफ इट्स होल इनकम, देन फाइंड दियर एक्सपेंडिचर रेशियो। ओके, ठीक है, अब आप ये देखो ए का क्या है, जो उसका बचत है यानी एक सेविंग है, उसका रेशियो दिया हुआ है 14.2/7 का मतलब है 100/7। 100/7 को अगर हम नंबर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/7 हो जाएगा, है ना, इतना प्रतिशत है तो नंबर में चेंज करने के लिए 1/7। पहला लिस्ट आप लोग याद करो परसेंटेज का, उसमें भी मैंने बताया था ये, ठीक है। तो ये देखो, अगर इसका आय 7 है, इनकम 7 है और क्या है सेविंग 1 है, यानी एक्सपेंडिचर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो हो जाएगा वो 7:6 हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है, इनकम का अलग से रेशियो दे दिया है और एक्सपेंडिचर का अलग से रेशियो दे दिया गया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए का देखते हैं, बैलेंस करने के लिए ए का देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए का दे रखा है ना, तो ए के यहाँ का हम बैलेंस करेंगे। पहले तो इनका इनकम हम बराबर कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर बराबर कर लेते हैं, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। पहले 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर लिए, 3 से नीचे में मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये 12 हो गया, यानी ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये नंबर सेम कर दिया हमने, तो अब इसका इनकम कितना है, 7, तो उसको 7 करने के लिए गुना 7 किए और एक्सपेंडिचर 6 करने के लिए 6 किए, तो अगर नंबर ये हम इक्वल नहीं करते तो फिर 7 और 6 के रेशियो में हम कैसे ला पाते इसको, फाइनल तो रेशियो हमारा ये दिया हुआ है ना इंडिविजुअल का। अच्छा, अब आप ध्यान दो, 7 और 6 का रेशियो ये तो हमने कर लिया, वो आपको बता दिया, जिस नंबर से हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया वही सेम नंबर से सभी में करेंगे, और जिसमें किया है नीचे में उसमें
नीचे में करेंगे, क्यों? क्योंकि रेशियो में है ये दिया हुआ। अब फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12:142:22। कैसे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, तो सेविंग का रेशियो निकल गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। ठीक है, खरगोश द्वारा 6 छलांग लगाने में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग लगाने में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करें। यानी अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट, द टाइम टेकन बाई रैबिट फॉर सेवन स्टेप्स इज इक्वल्स टू 6 स्टेप्स ऑफ डॉग। ओके, 6 स्टेप ऑफ डॉग इज इक्वल्स टू 5 स्टेप्स ऑफ डॉग। यानी यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ टाइम दे दिया है और यहाँ क्या दिया है, यहाँ डिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो चाल का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड। ओके, अच्छा आप यहाँ देखो, डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस यानी इसके 5 स्टेप्स, रैबिट कुत्ते के 5, डॉग के 5 स्टेप्स और खरगोश के 6 स्टेप बराबर हैं। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा। अच्छा, अगर डिस्टेंस बराबर है, टोटल डिस्टेंस अगर 30 है तो टाइम निकल जाएगा उससे, 30 और 1 का डिस्टेंस तो टाइम निकल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? यानी इसको 6 मिनट लगेगा और इसको 5 मिनट लगेगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे है कि यहाँ क्या कह रहा था कि टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहा है, 6 स्टेप में जो टाइम ले रहा है वही टाइम ले रहा है, ये कितने स्टेप में, 7 स्टेप में। ओके, मान लो ये 1 मिनट में 6 स्टेप जंप कर रहा है और ये एक मिनट में 7 स्टेप जंप कर रहा है, तो कुत्ता के लिए तो 6 मिनट है ना, तो 6 मिनट में 36 स्टेप चलेगा और खरगोश का 5 मिनट है तो 5 मिनट में 35 स्टेप चलेगा, तो उनका जो रेशियो हो जाएगा चाल का वो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 36:35 का रेशियो हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम बराबर ले रहा है ना, टाइम जब बराबर ले रहा है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ओके, हाँ, एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 4620 रुपये का नुकसान हुआ, तो सोने की जो प्रारंभिक कीमत थी वो ज्ञात करना है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ गोल्ड इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ओके, अ मैन हैज ब्रोकन दैट गोल्ड इन रेशियो 3:2:1 एंड ही लूजेस 4620 रुपीज, देन फाइंड द इनिशियल कॉस्ट। ओके, अच्छा आप ये बताओ, इस रेशियो में तोड़ा मतलब कि कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट, उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या कह रहा है, वर्ग का समानुपाती, यानी कि जो इसका वजन है वजन का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका कॉस्ट 36 यूनिट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट्स। अच्छा तोड़ने के बाद तो अलग अलग टुकड़े हो गए ना, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि 9+4+1 यानी कि 14 यूनिट, तो कितना यूनिट का फर्क आ रहा है, 22 यूनिट, और 22 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 4620 रुपया, 1 यूनिट हो गया 210 रुपया, तो इनिशियल वैल्यू निकल जाएगा, इनिशियल वैल्यू 36 यूनिट था ना, तो 210 × 36 यानी कि 7560 रुपया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी का घन आपस में अनुक्रमानुपाती है। अगर ए बराबर 3 तब बी बराबर 2 है, तो ज्ञात करना है कि अगर ए बराबर 8/9 है तो बी का वैल्यू कितना होगा। इंग्लिश में समझिए, इफ ए एंड बी आर इन द क्यूबिक इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके, इफ ए इक्वल्स टू 3 देन बी इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ ए इक्वल्स टू 8/9, ओके। क्या कह रहा है, ए प्रोपोर्शनल है 1/1, अनुक्रमानुपाती इनवर्स क्यूबिक प्रोपोर्शनल है ना, तो ए इनवर्स क्यूबिक प्रोपोर्शनल ए प्रोपोर्शन 1/BQ, यानी ए इक्वल्स टू, जब हम प्रोपोर्शन को इक्वल में करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, लेंगे ना, क्योंकि प्रोपोर्शन और रेशियो जो होता है वो तो मिनिमम वैल्यू होता है ना, मिनिमम रेशियो होता है, तो K/BQ, ए का वैल्यू 3 रख देंगे, बी का वैल्यू 2 रख देंगे, तो K का वैल्यू निकल जाएगा 24। अब हम इस वाली इक्वेशन में K का वैल्यू रख देंगे, A का वैल्यू रख देंगे, A का वैल्यू 8/9, K का वैल्यू 24 और BQ, तो B का वैल्यू निकल जाएगा, B का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या ज्ञात करें। अच्छा, आप ध्यान दो, कुल 430 रुपया दिखा रहा है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या करेगा, या तो आपका दे देगा कि सिक्कों की कुल संख्या कितना है, या दे देगा कि जो अमाउंट है उसका कुल अमाउंट कितना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और बेसिक चीज़ याद रखिए। अच्छा, आप ये बताओ, 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो 1 रुपया उसका वैल्यू हो जाएगा। अगर 50 पैसे का 2 सिक्का है तब उसका वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे का अगर 4 सिक्का है तब उसका वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये कॉइन्स है और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये उसका वैल्यू है ना, ए बी, और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का अगर 1:2:4 के अनुपात में रहे तब अमाउंट बराबर होगा, ओके। यहाँ देखते हैं हम क्या कह रहा है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, सिक्कों की संख्या क्या है, 5:7:9। अच्छा, 1 रुपया का 5 सिक्का मतलब 5 रुपया, 50 पैसे का 7 सिक्का मतलब 3.5 रुपया, और 25 पैसे का 9 सिक्का का मतलब 2.25 रुपया। तीनों को ऐड करेंगे, क्या है दिया, टोटल वैल्यू ना, तीनों को ऐड करेंगे यानी 10.75 रुपया बराबर 430 रुपया, 1 यूनिट बराबर 40 रुपया, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 7 यूनिट है, 7×40 280 रुपया। वैल्यू भी निकाल सकते थे इससे, वैल्यू निकालेंगे ना, कोई दिक्कत, वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालने के लिए सिक्कों की संख्या निकल गया, इतना बटा दो 140 रुपया। अब यहाँ कह रहा है, किसी बैग में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल सिक्के 480 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इन अ बैग 1 रुपीज़, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स आर केप्ट, देयर कॉस्ट वैल्यू इन द रेशियो 30:11:7 एंड नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 480, देन फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, ओके। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कीमत कितना दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया है, 30 रुपया, 11 रुपये और 7 रुपये। अच्छा, आप ये बताओ, 1 रुपये का 30 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का 11 रुपया है और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के कितने होने चाहिए, 22। और अगर 7 रुपया है 25 पैसे के सिक्के, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर 4 सिक्का, तो 7 रुपया बराबर 28 सिक्का। इनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएगा, यानी 80 यूनिट बराबर 280 रुपया, 1 यूनिट बराबर 6 रुपया, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 22, 22×6 यानी कि 132, ओके। अब आप देखिए, हाँ फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, किस एक इस तरीके का आता है,
ए बी बी सी ये संख्या अगर दे रखा हो मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती ए बी सी का मध्य समानुपाती, मध्य मतलब मिडिल वाला, इसका वैल्यू निकालने का है, ठीक है। तो इसे हम ए बटा बी और बी बटा सी लिख सकते हैं इसे, है ना। यानी अगर इसको रेशियो में रहता तो ऐसे लिख सकते थे। और बी का वैल्यू अगर निकालने का रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी, यानी बी बराबर रूट अंडर ए गुना सी। मध्य समानुपाती यानी कि मिडिल प्रोपोर्शनल, मिडिल प्रोपोर्शन अगर निकालने का रहा यानी बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए और सी हो जाएगा। यानी कि 1/4 और 1/9 का अगर मध्य समानुपाती निकालने का रहा है तो रूट अंडर 1/4 1/9 यानी कि 1/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ए बटा बी और बी बटा सी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। सी का वैल्यू निकालने का रहा है तो सी का वैल्यू निकालने के लिए सी को ऊपर भेज देंगे, तो ऐसे कर सकते हैं सी बराबर इसको ऊपर भेजेंगे बी स्क्वायर बाई ए, है ना। तो तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का रहा, थर्ड नंबर निकालने का रहा, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर यानी 36 × 36 बाई 18 72। अब तीन मान लो दिया हुआ हो, ए बी सी दिया हो, ओके ए बी सी और डी दिया हो, ये रेशियो ये समानुपात ये रेशियो दिया हो, ए बटा बी और सी बटा डी ऐसे दिया हो। चतुर्थ समानुपाती यानी डी का वैल्यू जब निकालना हो तो क्या करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा आप देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा बी गुना सी बटा ए, है ना, डी बराबर बी गुना सी बटा ए। तो 16 × 18 / 12 वैल्यू ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 710 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 ज़्यादा और सी को ए से 30 ज़्यादा मिले, तो ए का भाग निकालें। अच्छा आप ये बताओ ए को क्या मिल रहा है, बी को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो ए को कितना मिलेगा एक्स से, हाँ आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, 710 रुपीज़ इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 40 मोर देन बी एंड सी गेट्स 30 मोर देन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके सपोज बी इक्वल्स टू एक्स, बी को हम एक्स ले लेते हैं, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए, एक्स प्लस 40 बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके एक्स प्लस 40 एंड हेयर गिवन दैट सी इक्वल्स टू ए प्लस 30 ना, सी बराबर ए प्लस 30, ए का वैल्यू एक्स प्लस 40 है तो एक्स प्लस 70 हो जाएगा, यानी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 70। इनका टोटल ऐड करेंगे तो 3x + 10 और इसका वैल्यू 710 दिया है, तो 3x = 710 - 110 = 600, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात 2:3 था और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। द एज ऑफ राम एंड श्याम वॉज 2:3 बिफोर 5 years एंड विल बी 3:4 After 5 years, then find their current age. Okay, here is given that क्या कह रहा है, 5 साल पहले ए का अनुपात 2 राम और 3 था श्याम, ओके और करेंट ये हो गया, मान लो बीच में कोई लाइन ले लेते हैं, बाद का अनुपात कितना है, बाद का रेशियो 3 और 4 का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स आप एक चीज़ मुझे बताओ, ये 5 साल बाद का दिया है ना, ठीक है कितना यूनिट बढ़ रहा है, इन दोनों का भी डिफरेंस बराबर है और ये देखो कि 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ रहा है, 5 साल पहले 5 साल बाद यानी 10 साल हो गया ना, 10 साल
तो हम अब चलते हैं 1 किलोमीटर 10 साल 5 साल पहले में अगर चले तो 2:3 था, यानी कि 20 और 30 कर सकते हैं। ये 5 साल पहले का अगर एज है तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा, +5 यानी कि 25 और 35 हो जाएगा। अच्छा, हम अगर 5 साल बाद वाले से भी निकालते यानी 30 और 40 कर देते तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो वर्तमान का क्या हो जाएगा, -5 कर देंगे यानी 25 और 35 हो जाएगा। तो उनके आयु का योग बताना है, यानी कि समेशन ऑफ दियर एज देन 25 + 35 = 60, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो वर्तमान की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से सुनिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम बिफोर 5 years वॉज 3:1 एंड आफ्टर 5 years 2:1, देन फाइंड दियर करेंट एज। अच्छा, आप ये बताओ क्या दिया है, 5 साल पहले, 5 साल पहले 3:1 के अनुपात में दिया है और 5 साल बाद आफ्टर 5 years 2:1 के अनुपात में दिया है, कोई दिक्कत, 3:1 और 2:1 दिया है। अच्छा आप बताओ, इन दोनों के आयु का डिफरेंस तो बराबर ही रहेगा ना। मान लो कि मेरा आयु आज के डेट में 25 साल है और मेरी बहन का आयु 30 साल है, तो 5 साल बाद भी, जैसे हम दोनों के आयु के बीच में अगर आज 5 साल का डिफरेंस है तो 5 साल बाद भी तो हमारे बीच में 5 साल का ही डिफरेंस होगा ना, तो इनके बीच का डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो पहले तो हम डिफरेंस इक्वल करेंगे। डिफरेंस इक्वल करने के लिए यहाँ 1 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1 और 4:2। अब डिफरेंस बराबर हो गया ना, ठीक है, डिफरेंस भी बराबर हो गया और इनके 1 के बीच में जितना यूनिट बढ़ रहा है उतना ही इतना। मान लो कि मेरा एज अगर 10 साल बढ़ा तो मेरी बहन का भी एज 10 साल बढ़ेगा ना, तो यही चीज़ है। तो एक यूनिट जो है, 1 यूनिट बराबर 5 साल पहले 5 साल बाद, यानी 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी 10 साल बढ़ गया। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो ये बताइए, 3 बराबर हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 20, है ना। अगर हम पहले से भी निकालते हैं, 5 साल पहले अगर इसका आयु 30 साल था और इसका आयु 10 साल था, तो 5 साल पहले यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा, 5 बढ़ा दीजिए यानी 35 और 5 बढ़ जाएगा 10 में तो 15 हो जाएगा। या इससे भी निकाल सकते हैं, अगर 40 और 20 है बाद 10 5 साल बाद है तो 5 तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, -5 कर देंगे यानी 35 और 15 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। राम की आयु कितना है, उसकी बेटी की आयु का 4 गुना। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुना था, तो वर्तमान आयु निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझिए, राम सेज इज 4 times ऑफ हिज डॉक्टर सेज। ओके, राम का करेंट आयु अगर हम 1 ले लेते हैं तो, सॉरी, उसकी बेटी का डॉक्टर का अगर ए ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो राम का हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि 5 साल पहले उनका अनुपात कितना था, ये तो करंट है, प्रेजेंट। अब कह रहा है कि 5 साल पहले यानी कि -5 years बिफोर राम का आयु 9 times ऑफ हिज डॉक्टर, यानी कि राम 9 था और उसकी बेटी कितनी थी, 1 थी। अच्छा ये बताओ, ये तो यूनिट में आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि नंबर तो सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस सेम रहेगा। अगर 10 साल छोटी है अपनी अगर राम अपनी बेटी से 25 साल बड़ा है, का मतलब वो चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना सही, उनके एज का डिफरेंस तो 25 साल ही रहेगा। लेकिन यहाँ 25, यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 8 से नीचे मल्टीप्लाई, है ना, यानी 27 और 3 और नीचे करेंगे 28 और 8, तो कितने हो गया, सॉरी 32, 8 × 32 ना, 8 × 4 = 32 तो दोनों के बीच का डिफरेंस 24 ईयर्स आ गया, यानी इक्वल आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब यूनिट में देखते हैं, यूनिट कितना बढ़ रहा है, 5
5 यूनिट बढ़ रहा है ना, 3 से 8, इधर 27 से 32, यानी 5 यूनिट इक्वल्स टू एज का डिफरेंस कितना है, करेंट और 5 साल पहले का बोल रहा है ना, यानी कि कितना है 5 यूनिट इक्वल्स टू 5, तो 1 यूनिट बराबर 1, यानी करेंट एज अगर निकालने कह रहा हो तो करेंट एज हम निकाल लेंगे, 32 साल हो गया राम का और 8 साल हो गया उसकी बेटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता और पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था, पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करो। ओके, पहले हम यहाँ तक देखेंगे और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उसकी माँ की आयु शादी के समय पर वह अपने पिता से 5 साल छोटी, वह उसके पिता से 5 साल छोटी थी, तो माँ की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुनिए, द रेशियो ऑफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, वर्तमान एज कितना है 3 ले लेते हैं और सन का 1 ले लेते हैं। ओके, 5 ईयर्स अर्लियर यानी 5 साल पहले फादर्स सन्स एज वाज 1/6 ऑफ हिज फादर। इट मीन्स व्हाट, यू कैन से दैट इफ फादर्स एज इज 6 देन सन्स एज इज 1, इट मीन्स व्हाट, दियर रेशियो इज 6:1 बिफोर 5 ईयर्स। ओके, तो उनका क्या करना है, आयु ज्ञात करना है, फाइंड दियर एज। ओके, सेम थिंग यहाँ डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि नंबर तो हमारा सेम रहेगा ना, रेशियो चेंज हो सकता है बट नंबर सेम रहेगा। यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 6 × 12 अनुपात 2 और नीचे में हो जाएगा 15:5, यानी डिफरेंस अब 10 का आ गया, यानी दोनों के उम्र में डिफरेंस बराबर आ गया। अभी यूनिट देखते हो तो यूनिट का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट और 3 यूनिट इक्वल्स टू 5 ईयर्स ना, 5 साल पहले की बात की जा रही है, 5 ईयर्स, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा। तो करंट एज निकालने की बात कह रहा है ना, कोई दिक्कत, करंट एज निकालने की बात कह रहा है, तो पिता का करंट एज कितना है, 3 है, पिता का करंट एज कितना है, आप यहाँ ध्यान से देखो, करंट एज अगर 15 है तो 15 × 1 यूनिट कितना है, 5/3, 5 यानी कि 25 साल, और वही बेटे का आयु कितना हो जाएगा, 5 × 5/3 यानी कि 25/3, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया बेटा और उसके पिता का आयु निकल गया। अब क्या कह रहा है कि शादी के टाइम माता की आयु कितनी थी, 5 साल कम थी उसके फादर से, है ना, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा ना, तो माता की करेंट आयु कितनी हो जाएगी, अगर फादर का 5 साल है तो माँ का 25 − 5 यानी 20 साल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 35 वर्ष है। ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन को, इफ द रेशियो ऑफ मीना एंड द एज ऑफ मीना एंड हिज मदर इन द रेशियो 3:8 आफ्टर 5 ईयर्स What will be their age after 5 years? If after 10 years their age difference will be 35. मीना 3 साल, माँ 8 साल, ये यूनिट ले सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ, ये 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया, चाहे कितना भी साल बाद की बात करें या पहले की बात करें, एज का डिफरेंस तो बराबर रहेगा ना। क्यों, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि अगर मेरा उम्र और मेरी दीदी की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, तो ये तो अगर हम लोग छोटे थे तब भी 5 साल का फ़र्क था और जब बूढ़ी हो जाएंगे तब भी 5 साल का फ़र्क रहेगा, यानी फ़र्क तो बराबर रहेगा। हाँ, रेशियो चेंज हो सकता है। ओके, 3 यूनिट बराबर 35 साल, तो 1 यूनिट बराबर 7, यानी मीना की आयु 21 और मदर की आयु 8×7 यानी 56, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु निकालना कह रहा है। अच्छा आप ये बताओ, ये तो करंट एज निकला ना, क्योंकि करंट एज का रेशियो दिया हुआ था, तो करंट एज ये निकला,
तो अगर इसमें हम 5 ऐड करते हैं तो 20, इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं और इसमें 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 60। ये तो एज हो गया इनका। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 12, 5 से डिवाइड करेंगे 5, यानी 5:12 हो जाएगा इनका रेशियो, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका, इसके लगभग टाइप्स के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। हिंदी इंग्लिश सब में मैंने बताया है आप लोगों को। ये क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में थे तो आप, हिंदी में थे तो आपने देखा होगा कि मैं सबको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताई, और जो लेक्चर इंग्लिश में है उसको मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया। तो जिनका मीडियम चेंज है वो मेरे आवाज़ से क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि मैं लाइन बाई लाइन अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसे मेरी जो बोली हुई है उस क्वेश्चन को, उसको सुन करके आप क्वेश्चन को अलग से लिख सकते हो। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये आपका ख़त्म होता है क्वेश्चन। इसके अलावा अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कहीं भी किसी आपके प्रीवियस ईयर में या कहीं से भी कोई डाउट होता है क्वेश्चन का, तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि उस क्वेश्चन को मैं बता सकूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, या जो भी पढ़ाई कर रहा हो, जो भी अभी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा हो, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर किया करें और लाइक कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है कि आपके एक लाइक से आपको कुछ नहीं होता, पर आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो पर तो थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, अगर किसी को पसंद आ रहा है तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक कर दिया करो। अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करो, मैं इसके लिए भी कहती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं बोलती आप सिर्फ लाइक करो, नहीं, अगर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक करो, लेकिन एक बार बता ज़रूर दो कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। रीज़न पता होगा तो आगे इम्प्रूवमेंट करूँगी, जिससे कि आपके जो साथ में पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो सके। ओके, ठीक है, फिर कीप ऑन वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।